हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। और स्टूडेंट्स, अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो अब आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक का रिवीजन करेंगे वो टॉपिक होगा सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का। स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की फर्स्ट इंपॉर्टेंस की, जिसमें बताया गया अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है ना, गेटिंग अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसमें यह बताया गया कि जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अर्ली स्टेज पर अंडरस्टैंड कर लेता है, जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अर्ली स्टेज पर अंडरस्टैंड कर लेता है, तो उसे पता चल जाता है कि उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है और वो उसके लिए उस पर सबसे पहले बेनिफिट गेन कर लेता है। तो जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अर्ली स्टेज पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उन्हें ये पता चल जाता है कि मार्केट में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है और वो सबसे पहले उस पर बेनिफिट लेते हैं, उस पर मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करते हैं, वो मार्केट में बिग शेयर कैप्चर कर लेते हैं और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाते हैं। तो यही बिजनेस एनवायरनमेंट की फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मार्केट में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है और वो सबसे पहले उसका एडवांटेज लेते हैं, और जब वो सबसे पहले उसका एडवांटेज लेंगे तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, वो मार्केट में बिग शेयर कैप्चर कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया गया है, जिसमें बताया गया कि मारुति ने ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में स्मॉल कार्स की रिक्वायरमेंट है। मारुति ने इस बात को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में स्मॉल कार्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पर टू फैक्टर्स थे, एक तो पेट्रोल की प्राइस राइज हो रहे थे और दूसरा इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो मारुति ने स्मॉल कार्स बनाई और आज भी मारुति स्मॉल कार के फील्ड में इंडिया में लीडर है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरह से व्हाट्सएप मोबाइल पर चैट करने की सबसे पहली एप्लीकेशन है, इसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशन आई जिनके थ्रू चैट हो सकती है, लेकिन व्हाट्सएप अब भी नंबर वन है। तो जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उन्हें ये पता चल जाता है कि मार्केट में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है और वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होंगे, वो सबसे पहले एडवांटेज लेंगे, जिस कारण से उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, जिसके कारण से उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मार्केट में बिग शेयर कैप्चर करेंगे, ठीक है ना, और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगे। एग्जाम्पल आपके क्लियर हुआ, मारुति ने इस बात को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में स्मॉल कार्स की रिक्वायरमेंट है। क्या कारण है कि स्मॉल कार की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस राइज हो रहे हैं और सेकंड इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस कारण से स्मॉल कार की रिक्वायरमेंट थी और आज भी देखें मारुति नंबर वन है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरह से सेकंड फैक्टर, सेकंड या मिडिल क्लास पॉपुलेशन ज्यादा थी, समझ गए, दो फैक्टर्स मैंने क्या बताया, एक तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा था और मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। इसी तरह से व्हाट्सएप मोबाइल पर चैट करने की सबसे पहली एप्लीकेशन है, इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन आई लेकिन व्हाट्सएप अब भी नंबर वन है। तो ये थी बिजनेस एनवायरमेंट की फर्स्ट इंपॉर्टेंस, क्या थी, अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकंड बिजनेस एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस है, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। सेकंड पॉइंट में यह बताया गया
जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि मार्केट में उनके लिए क्या थ्रेट्स आने वाली हैं, मतलब मार्केट में उनके लिए क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उन्हें इसका वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। तो जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि मार्केट में उनके लिए क्या थ्रेट्स हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मार्केट में उनके लिए क्या प्रॉब्लम आने वाली है और वो उसके लिए उस पर सबसे पहले क्या करेंगे, उसका उन्हें वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। किसको स्टडी करके? बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके बिजनेसमैन को ये पता चल जाता है कि उनके लिए क्या थ्रेट्स हैं, यानी क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसका वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? जैसे कि एग्जांपल मारुति उद्योग ने बिजनेस एनवायरनमेंट को बड़े अच्छे से स्टडी की। स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि जो फॉरेन कंपनीज हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो इंडिया में कार प्रोड्यूस करने आने वाली हैं। तो जब ये बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद मारुति उद्योग को इन्फॉर्मेशन मिली तो मारुति उद्योग ने क्या किया, मारुति उद्योग ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। ताकि कोई भी कस्टमर आए वो कस्टमर खाली ना जाए। तो मारुति उद्योग ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। तो ये था बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद पता चला कि आपके लिए क्या थ्रेट्स आने वाले हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट थर्ड इंपोर्टेंस, हम चलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की थर्ड इंपोर्टेंस पर। थर्ड इंपोर्टेंस में बताया गया हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद बिजनेसमैन को यह पता चल जाता है कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद बिजनेसमैन को यह पता चल जाता है कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है और उसी हिसाब से उस डिमांड को देखते हुए वो उसी हिसाब से रॉ मेटेरियल इकट्ठी करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद बिजनेसमैन को ये पता चल जाता है कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है और उस प्रोडक्ट्स के डिमांड पर ही वो अपनी रॉ मेटेरियल इकट्ठी करता है। उस डिमांड के बेस पर ही वो अपनी रॉ मेटेरियल इकट्ठी करता है। जैसे मार्केट में डिमांड है एलईडी और 3D टीवी की और आप रिसोर्सेज इकट्ठी करें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद ये पता चल जाता है कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है और उन प्रोडक्ट्स की डिमांड के बेस पर ही आप रॉ मेटेरियल इकट्ठी करते हैं। आप क्या इकट्ठी करेंगे? आप रॉ मेटेरियल इकट्ठी करेंगे ताकि उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स बनाया जा सके। जैसे मार्केट में डिमांड है 3D टीवी और LED की तो आप उसी हिसाब से रॉ मेटेरियल इकट्ठी करेंगे ताकि उसी हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट्स दिया जा सके। ओके, नेक्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट की नेक्स्ट इंपोर्टेंस है हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंज। देखिए इस पॉइंट्स में बताया गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता रहता है। तो जब बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता रहता है तो इसका बिजनेस पर सीधा इंपैक्ट पड़ता है। सीधा इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? बिजनेस पर। इसलिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो हमें ये देख लेना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुआ है। दोबारा से रिपीट करूंगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार चेंज होता रहता है और जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हुआ उसका सीधा इंपैक्ट किस पर पड़ता है? उसका सीधा इंपैक्ट बिजनेस पर पड़ता है। इसलिए बिजनेसमैन को ये देख लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो ये समझ लेना चाहिए कि एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया है ताकि उसी चेंज के अकॉर्डिंग वो अपनी कंपनी के अंदर भी चेंज कर ले। तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपोर्टेंस कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि क्या चेंज आया है, उसी चेंज के अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी के अंदर भी चेंज कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता रहता है, उसी चेंज जब वो चेंज होता रहेगा वो उसका एक प्रभाव हमारे बिजनेस पर भी पड़ेगा। तो हमें जितना जल्दी हो ये समझ लेना चाहिए कि
बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया है। इतनी बात क्लियर हो गई, और ये हमें पता चलेगा जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे, और जो चेंज आएगा उसी हिसाब से हम कंपनी के एनवायरनमेंट में भी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। असिस्टिंग माने हेल्प, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में। देखिए, जब एक कंपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग और पॉलिसी बना रही है, जब एक कंपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग और पॉलिसी बना रही है तो उसे बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर ये सभी चीजें बनानी चाहिए। दोबारा से रिपीट करूंगा, क्या बताया मैंने बताया पॉइंट्स में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब एक कंपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग और पॉलिसी बना रही है तो उसे बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर ये स्ट्रेटजी प्लान और पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि जब एक कंपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है तो इम्प्लीमेंट एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में ही किया जाएगा। तो जब कंपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी तो वो एनवायरनमेंट की प्रेजेंट में ही किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब आप एक कंपनी क्या बनाए, स्ट्रेटजी प्लान और पॉलिसी बनाए तो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाए, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंट की जाएंगी तो ये एनवायरनमेंट की प्रेजेंट में ही इम्प्लीमेंट की जाएंगी। इसलिए स्ट्रेटजी प्लान और पॉलिसी को एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाए। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, इंडियन एनवायरनमेंट को जब अच्छे से अंडरस्टैंड किया गया, अच्छे से स्कैन किया गया, जब इंडियन एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन किया गया तो ये पाया गया कि इंडिया में टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडिया में टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जब आपने इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, आपने क्या, हम कह सकते हैं कि जब हमने इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या किया, इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया, तो पाया कि इंडिया में टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपनी पॉलिसी इस तरह से ही बनाई ताकि वो इस इंडस्ट्रीज की अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट कर सकें, ठीक है ना। जितने भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर होटल्स थे और आईटीसी ग्रुप्स थे, इन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी और प्लान इसी चीज को ध्यान में रखकर बनाए। ओके, नेक्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपोर्टेंस है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ये देखा गया है कि जब कंपनी अपनी कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, कंपनी के अंदर के एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर के एनवायरनमेंट से मैच कर लेती है, तो इससे कंपनी की इंपोर्टेंस इंप्रूवमेंट होती है, इससे कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये देखा गया है कि जब एक कंपनी अपनी कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैच कर लेती है तो इससे कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ये देखा गया है। ये है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपोर्टेंस, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके ये देखा गया कि एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया, उसी चेंज के अकॉर्डिंग कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज कर लिया गया, तो इससे कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, मैं जिस टॉपिक का रिविजन करूंगा वो है थ्री मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके थ्री मेजर कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो टॉपिक है हमारा थ्री मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखिए, इसका फर्स्ट कॉम्पोनेंट है हमारा लिबरलाइजेशन। क्या है जी? लिबरलाइजेशन, ठीक है ना जी। तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्पोनेंट है लिबरलाइजेशन। ओके, सेकेंड हमारा मेजर कॉम्पोनेंट है प्राइवेटाइजेशन। क्या है जी? प्राइवेटाइजेशन। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। और थर्ड है हमारा मेजर कॉम्पोनेंट ग्लोबलाइजेशन। क्या है जी? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। देखिए, मैं तीनों का ओवरऑल का ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, जल्दी से सुनिएगा। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, 1991 में, ठीक है, तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, तो जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी, एक तो लाइसेंस लेना पड़ता था बिजनेस पर, वो हटा दिया गया था। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यही है कि फ्रीडम देना, बिजनेस करने में फ्रीडम देना। तो जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो उसमें जो लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी उसको एंड कर दिया।
दिया गया था, ठीक है ना। जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोटा था, रेस्ट्रिक्शंस थी, वो सभी हटा दी गई थी, ठीक है ना। और जितनी भी टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी कि हाई टैक्स रेट, उनको उन प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया गया था, ताकि फ्रीडम के साथ आसानी से बिजनेस किया जा सके। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन, समझे। तो लिबरलाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद 1991 में जितनी भी बिजनेस में रेस्ट्रिक्शंस थी, जैसे कि लाइसेंस लेना पड़ता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोटा था, ठीक है ना, और जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी उन सभी को हटा दिया गया था। ये था हमारा लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन में जो पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया था और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया था। प्राइवेटाइजेशन में क्या कर दिया गया था, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया था और जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था उसे इंक्रीज कर दिया गया था। ये है हमारा प्राइवेटाइजेशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया था और जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था उसको बढ़ा दिया गया था, क्लियर है। और कोशिश की गई थी जितनी भी पब्लिक सेक्टर के अंदर सिक इंडस्ट्रीज हैं, या तो उनको क्लोज किया जाए या उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए, ये किया गया था प्राइवेटाइजेशन में। जितनी भी सिक यूनिट्स हैं, यानी बीमार यूनिट्स हैं पब्लिक सेक्टर की, या तो उनको क्लोज कर दिया जाए या उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाया जाए। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट थर्ड, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या किया गया था, एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया था। एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ जोड़ दिया गया था। मींस दैट जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी उन सबको हटाकर कोशिश की गई थी सभी कंट्री आपस में मिलकर बिजनेस करें। तो ग्लोबलाइजेशन में यही किया गया था। कुछ लाइन सुनिएगा, इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब है जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं उनको एक साथ जोड़ देना। टिल 1991 तक इंडियन गवर्नमेंट्स ने क्या किया था, स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई थी रिगार्ड टू इंपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना जी। तो 1991 तक इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी इंपोर्ट के लिए, और जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी इन सबको रिमूव कर दिया था। क्या मेन मकसद था रिमूव करने का, कि वर्ल्ड की इकोनॉमीज को एक साथ इंटीग्रेट कर देना, ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस हो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। तो इसके लिए जितने भी इंपोर्ट्स थे वो सब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में क्या किया गया था, जैसे इंपोर्ट्स था बताया गया कि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन हटा दी इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ग्लोबलाइजेशन में क्या किया, जो भी कैपिटल गुड्स यानी मशीन्स के लिए आप इंपोर्ट कर रहे थे उन पर जो गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई थी। टैरिफ स्ट्रक्चर यानी टैक्स को दोबारा से न्यू स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया था टैक्स के लिए, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया था। तो ग्लोबलाइजेशन में इन चीजों को किया गया था। और लास्ट हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को बड़े अच्छे से क्लियर कीजिएगा, मैनेजरियल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, मैनेजरियल रेस्पॉन्स, मैनेजरियल रेस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट, मैनेजरियल रेस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट। जो बिजनेस एनवायरमेंट में चेंज आया उस पर क्या मैनेजरियल रेस्पॉन्स मिला, जो बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर चेंज आया उस पर क्या मैनेजरियल रेस्पॉन्स आया, इस टॉपिक में ये डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना जी। देखिए, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद क्या मैनेजरियल रेस्पॉन्स हुआ, क्या मैनेजरियल रेस्पॉन्स हुआ, ये टॉपिक है हमारा इसी के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो जो बिजनेस एनवायरमेंट में चेंज आया या जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसका मैनेजरियल रेस्पॉन्स क्या आया, फर्स्ट मैनेजरियल रेस्पॉन्स था डाइवर्सिफिकेशन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, द फर्स्ट रेस्पॉन्स सीन आफ्टर न्यू पॉलिसी के बाद फर्स्ट इंपैक्ट, फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट रेस्पॉन्स ये आया कि कंपनीज फॉर गोइंग डाइवर्सिफिकेशन, कि कंपनीज ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया, यानी कंपनी ने जितने भी अपने प्रोडक्ट्स बनाती थी उन प्रोडक्ट्स की रेंज को इंक्रीज कर दिया। तो बिजनेस एनवायरमेंट में जो चेंज आया उसका पहला रेस्पॉन्स देखने को मिला कि जो कंपनी जितने प्रोडक्ट्स बना रही थी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स की रेंज को इंक्रीज कर दिया, यानी कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है।
एक कंपनी है भेल, जिसे कहते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसने कहा कि हम इस जो चेंज आया है इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू, इसमें हम अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करेंगे। हम जो हमारा प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, पोर्टफोलियो मीन्स जितने तरह के हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है उसे हमने डाइवर्सिफाई इंक्रीज कर दिया। तो भेल ने कौन सी और सर्विस प्रोवाइड की, सोलर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर बिजनेस, इस फील्ड में भी वो आ गए। तो सबसे पहला इंपैक्ट देखने को मिला डाइवर्सिफिकेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। भेल ने कहा, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने कहा कि जो ये चेंज आया है इकोनॉमिक पॉलिसी का, इसमें हमने अपने आप को जो हमारा प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन था उसको हमने इंक्रीज कर दिया और हमने न्यू बिजनेस को स्टार्ट किया। वो कौन कौन से थे, सोलर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर बिजनेस, जितनी भी, जैसे कि रिलायंस, वोल्टास, एलजी, सैमसंग, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को इंक्रीज कर दिया। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या इफेक्ट देखने को मिला कि कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की रेंज को इंक्रीज कर दिया। सेकंड, जॉइंट वेंचर, कोलोबरेशन, ठीक है ना। सेकंड क्या रिस्पॉन्स आया, जॉइंट वेंचर, जो एमएनसी कंपनी थी वो इंडिया में आई किसके थ्रू, जॉइंट वेंचर के थ्रू। ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो फर्म आपस में मिलकर इकट्ठी एक न्यू कंपनी बना लें, ठीक है, जब दो फर्म आपस में ज्वाइंट हो जाएं और वो एक न्यू फर्म बना लें। तो इसमें यही बताया गया कि जो एमएनसी कंपनी आई इंडिया में वो ज्वाइंट वेंचर करके इंडिया में आई, जैसे कि फोर्ड एंटर हुआ महिंद्रा और महिंद्रा के साथ ज्वाइंट वेंचर करके, जैगुआर एंटर हुआ टाटा मोटर्स के साथ, होंडा एंटर करा सीएल के साथ, जनरल मोटर और हिंदुस्तान मोटर आपस में ज्वाइंट हो गए और वोडाफोन मर्ज हो गया आइडिया में। तो जितनी भी एमएनसी कंपनी थी वो इंडिया में आई ज्वाइंट वेंचर के थ्रू। थर्ड, ब्रांड बिल्डिंग। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद कंपनी ने क्या किया, अपनी ब्रांड को इम्प्रूव करने की कोशिश की। ब्रांड होती है जिस नाम से आप अपने गुड्स को सोल्ड करते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने का क्या इंपैक्ट पड़ा कि कंपनी ने अपनी ब्रांड को इम्प्रूव करने की कोशिश की, मार्केट में अपनी गुडविल बनाने की कोशिश की। मार्केट में क्या बनाने की कोशिश की, मार्केट में अपनी गुडविल बनाने की कोशिश की और कोशिश की कि उनकी रेपुटेशन अच्छी बने। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद कंपनी ने मार्केट में अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, इसके लिए कंपनी ने एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन कराई। किसका यूज किया, एडवर्टाइजिंग का और सेल्स प्रमोशन का, ताकि कंपनी की इमेज को इम्प्रूव किया जा सके। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या क्या मैनेजर रिस्पॉन्स मिला, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद, ठीक है ना, कंपनी ने क्या किया, टू गेट द फर्स्ट मोर एडवांटेज, कंपनी ने सोचा कि हमें सबसे पहले एडवांटेज मिले, इसके लिए कंपनी ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी शुरू की अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कंपनी ने सोचा कि हमें सबसे पहले एडवांटेज मिले, तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया, इसके लिए कंपनी ने जब अपना प्रोडक्ट्स बनाया तो उस प्रोडक्ट्स को बनाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाने के लिए कंपनी ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना शुरू किया। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के लिए सभी कंपनी ने किस पर पैसा खर्च करना शुरू किया, रिसर्च और डेवलपमेंट पर। और जितनी भी आईटी, कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इन्होंने इस वर्क को सबसे ज्यादा किया। उन्होंने सबसे ज्यादा कोशिश की कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ताकि क्या हो, ताकि ये सबसे पहले एडवांटेज ले सके। ओके, नेक्स्ट, इंप्रूव कॉम्पेंसेशन लेवल। देखिएगा, इंप्रूव कॉम्पेंसेशन लेवल में बताया गया, कॉम्पेंसेशन पर यहां पर सैलरी ली गई। इंप्रूव कॉम्पेंसेशन लेवल में यह बताया गया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के कारण जब एमएनसी कंपनी इंडिया में आई तो जितने भी एम्प्लॉइज मैनेजरियल लेवल पर और टेक्नोलॉजी टेक्निकल लेवल पर वर्क कर रहे थे उनका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज इंप्रूव हुआ। तो जब एमएनसी कंपनी इंडिया में आई तो जो एम्प्लॉइज मैनेजरियल और टेक्निकल लेवल पर वर्क कर रहे थे उनकी सैलरी इंप्रूव, स्टार्टिंग पैकेज इंप्रूव हो गया। कंपनी ने उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए, बोनस स्कीम दी,
तो ये देखने को मिला कि एमएनसी कंपनी इंडिया में आई, जो एम्प्लॉइज मैनेजर और टेक्निकल लेवल पर थी उनकी सैलरी पैकेज बढ़ गया, ठीक है ना, उनको उनकी स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत ज्यादा हाई होने लगी। इतनी बात क्लियर हुई। और इसके साथ ही कंपनी ने अपने वर्कर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए, जैसे बोनस वगैरह दिए, अदर फैसिलिटीज दी। और लास्ट पॉइंट बताया गया है कस्टमर फोकस। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आने से पहले तो प्रोड्यूसर मार्केट होती थी। कौन सी मार्केट होती थी? प्रोड्यूसर मार्केट होती थी, क्योंकि 1991 से पहले बहुत कम प्रोड्यूसर हुआ करते थे, तो प्रोड्यूसर मार्केट थी। जैसा प्रोड्यूसर ने बनाया वैसा कस्टमर को लेना पड़ता था। लेकिन 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी आने के कारण अब क्या हो गया, अब कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गई, क्योंकि अब प्रोड्यूसर तो बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। जब उन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन किया तो अब वो कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करने लगे, तो मार्केट बिल्कुल शिफ्ट हो गई। तो 1991 से पहले प्रोड्यूसर मार्केट हुआ करती थी और 1991 के बाद कस्टमर मार्केट हो गई। और आजकल कस्टमर मार्केट में किंग माना जाता है, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने पर बड़ा ध्यान दिया जाने लगा है। कंपनी ने क्या किया, जो आफ्टर सेल सर्विस है उसको अच्छी तरह से प्रोवाइड करना शुरू किया, ताकि कस्टमर को वेल सेटिस्फाई किया जा सके। और आजकल टोल फ्री नंबर है जहां पर कस्टमर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, ऑन कंप्लेन को सोल्व किया जाता है। तो ये थे आज मैंने जो टॉपिक रिवीजन की आपके लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंज आया उसका क्या मैनेजर रिस्पॉन्स देखने को मिला। थैंक यू।